नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे घातांक और करणी। घातांक यानी कि किसी संख्या के ऊपर कोई पूर्णांक संख्या अगर घात हो तो हम उसको कहेंगे घात, लेकिन अगर कोई आंशिक भिन्न हो यानी कि किसी के संख्या के ऊपर अगर कोई आंशिक घात हो तो उसको हम कहते हैं करणी। तो यहीं पे समझते हैं कि घातांक जो है, जैसे मान लो किसी संख्या के ऊपर कोई संख्या आपकी एक, उसके ऊपर अगर कोई भी एन घात है, अगर एन यहाँ पे पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या में या फिर ऋणात्मक या धनात्मक कोई भी संख्या हो सकती है, तो ऐसी संख्या इसकी क्या कहलाएगी, ये जो संख्या होगी वही संख्या इसकी क्या कहलाएगी, घातांक। यानी कि यहां पे जो होगी वो इसकी घात होगी, तो ये इसका घात मान होगा। उसके बाद में हम देखते हैं करणी। करणी क्या होता है कि अगर किसी संख्या की भिन्न जो है आंशिक है, जैसे मान लो एक बटे एन, तो यहां पर ये जो होगा ये इसका करणी कहलाएगा। और इसको लिखने के लिए एक तरीका यह है कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहां पे ये पढ़ा जाएगा कि अक्ष का करणी n है, ठीक है। तो इनसे संबंधित हम कुछ नियम होते हैं, इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न होते हैं। जैसे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनसे संबंधित क्या क्या नियम है। तो पहले देखते हैं हम घातांक के नियम। यानी कि घातांक से संबंधित अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे आप कौन कौन से नियम लगा सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि यदि आपके पास कोई संख्या है तो दो संख्याओं का गुणा हो रहा है या फिर एक ही संख्या है, तो मैं यहाँ पे दो चीजें यूज करूंगा, ए और बी। ये मैं आधार के लिए यूज करूंगा। और यहाँ पे एम और एन, ये जो दो है वो जो है घातांक के लिए यूज करूंगा घातांक। अब आधार क्या होता है, जैसे मान लो कि a की पावर m ये बोल रहा हूं, तो यहां पे ये जो संख्या है इसको मैं आधार बोलूंगा, ये किसी संख्या का आधार है और ये इसकी घात है, घात। तो यहां पे मैं इस जो सूत्र बनाऊंगा वो सभी सूत्रों में आधार के लिए मैं यूज करूंगा a और b, और घातांक के लिए यूज करूंगा m और n। यानी कि ये मैं ये मान के चल रहा हूं कि आधार आपके पास अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, घातांक जो है वो अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। तो उनके लिए मैं सूत्रों के लिए ए और बी और घातांक के लिए एम और एन यूज करूंगा। अब देखो, अगर मान लो कि आपके पास कोई संख्या है, कोई ऐसी संख्या है जिसमें आधार एक ही है, एक संख्या है जिसका आधार एम है और घातांक एम है, और वो गुणा हो रही है इसी आधार की संख्या, यानी कि आधार उसका भी यही है लेकिन उसकी घातांक क्या है, अलग है। तो ऐसी संख्या को आप दोनों का आधार समान रख के इनकी घातांक जो है वो जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर दो संख्याएं ऐसी संख्याएं गुणा हो रही हैं जिनका आधार समान है पर घातांक अलग अलग है, तो उनको एक ही आधार के ऊपर दोनों का जोड़ कर सकते हैं। दूसरा नियम है यह नियम दोनों तरफ से लागू होता है कि अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है जिसमें किसी एक आधार के ऊपर दो घातांक जुड़ रही है तो आप भी उनको आप अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि ये दोनों तरफ से लागू होता है। अगर आपके पास ऐसा है कि आधार एक ही है, उसकी घातांक m है और उसमें किसी उसी आधार वाली संख्या का भाग लग रहा है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि m, यानी कि ये जो नीचे वाली घातांक है इसको गुणा में लाएंगे तो इसकी घातांक जो है माइनस एन हो जाएगी, इसकी घातांक जो है माइनस एन हो जाएगी। और उसके बाद ये वाला नियम जो यहाँ पे लगाएंगे, पीछे वाला नियम लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम माइनस एन, ये पीछे वाले नियम के हिसाब से, ठीक है। अगर मान लो कि तीसरा नियम ये बताता हूं कि अगर मान लो कोई संख्या ए और बी आपस में गुणा हो रही है और उनकी घातांक है समान, दोनों की घातांक समान है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये घातांक जो है अलग अलग गुणा कर सकते हैं, यानी कि इस पे भी आ जाएगा m और इसकी घातांक भी m हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी घातांक जो आप कॉमन ले सकते हैं और दोनों को आपस में गुणा कर सकते हैं, ये दोनों तरफ से लागू होगा। इससे संबंधित मैं आपको बहुत सारे प्रश्न करवाऊंगा जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। चौथा नियम यह है कि जैसे मान लो कि ये संख्या है a और b, ये इस तरीके से है कि a में b का भाग लग रहा है लेकिन घातांक इनका m है, तो आप इनको भी क्या लिख सकते हैं, a की पावर m बटे b की पावर m, ठीक है।
और इनको अगर गुणा में करना हो तो a की पावर m इंटू बी की पावर माइनस m, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये नियम हो गए। उसके बाद में एक नियम है कि अगर मान लो कोई संख्या है आधार a और उसकी घातांक अगर शून्य है, यानी कि अगर घातांक शून्य है तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है। और अगर कोई संख्या a है उसका घातांक निश्चित एक है तो उसका मान जो है वो खुद संख्या स्वयं आएगी, ठीक है। तो ये दो नियम हो गए। तो ये घातांक के सभी नियम हो गए। तो घातांक के नियम के बाद में हम आपको बताते हैं कि करणी के नियम, यानी कि करणी के नियम। करणी के नियम का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या जैसे मान लो कि इस तरीके से लिखा हो करणी के अंदर और वहां पे कोई घात लगे, यहां पे कोई संख्या है, तो इसका मतलब ये क्या, इस कैसे पढ़ेंगे इसको, इसकी पावर जो है वो एक बटे एन है, ठीक है, एक बटे एन पढ़ा जाएगा। और इसका मतलब ये है कि ये एन करणी है, ए का एन करणी है, यानी कि जैसे मान लो कि यहाँ पे दो होता है किसी संख्या में तो हम इसको बोलते हैं वर्गमूल, वर्गमूल। और अगर यहाँ पे तीन होता है किसी संख्या के लिए तो इसको बोलेंगे घनमूल, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे चार पांच इससे ज्यादा हो तो ये इसका इतना करणी हो जाएगा, यानी कि ये दो करणी या तीन करणी या चार करणी या पांच करणी, तो इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे कि ये ए की पावर जो है एक बटे पांचवा हिस्सा है। ये पूर्ण का पूर्णता करणी या कुछ आंशिक भिन्न होती है, आंशिक भिन्न। जैसे मान लो कि आपको ए के पावर एम बटे एन, ठीक है, जहां पर एन जो है एम जो है वो छोटा होगा एन से, यानी कि जैसे मान लो कि पांच की पावर एक बटे तीन या पांच की पावर दो बटे तीन, ऐसी जो घातांक होंगी वो भी क्या होंगी, इसके करणी के नियम से हम सरल कर पाएंगे। तो करणी के नियम देखते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर आपके पास कोई एक संख्या है, दो संख्या है इस तरीके से और उनका घातांक इस तरीके से हो रहा है एन करणी में, तो आप उसको जो है अलग अलग करणी लिख सकते हैं, अलग अलग करणी में लिख के गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इस तरीके से कोई संख्या है कि a बटे b, उन दोनों का करणी एक साथ दिया हुआ है, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, इसका अंडररूट a n और इसका अंडररूट b का n, ठीक है। इसके बाद में एक नियम है कि अगर मान लो किसी संख्या का करणी n है, किसी संख्या का करणी n है और उसका घातांक भी n है, तो ऐसी संख्या का जो मान आएगा वो संख्या खुद स्वयं आएगी, ठीक है। और अगर एक नियम है कि अगर मान लो किसी संख्या का करणी, किसी संख्या a का करणी n है लेकिन घातांक m है, तो ये वाली जो घात है वो इस घात को जैसे कि हम ऐसे पढ़ते आए हैं कि ये a की पावर एक बटे एन है और यहाँ पे m है, और घातांक के नियम के अनुसार इसको क्या पढ़ेंगे, ये a की पावर m बटे n हो जाएगी। तो ये सभी थे घातांक के नियम। अब इससे संबंधित हम जो है क्वेश्चन निकालेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अगर हम हल करते हैं तो देखेंगे कि जो घातांक के और करणी के जो नियम थे वो किस तरीके से अप्रूव होते हैं। तो मैं पहला एक प्रश्न देखता हूं, ये है 1000 की पावर 9 भाग 10 की पावर 24 और उसका मान निकालना है। 1000 इसकी पावर 24 दी है, इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, ये 1000 है, 1000 का मतलब हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और फिर उसके ऊपर में दिया है 9, यानी कि यहाँ पे भाग है और यहाँ पे दिया 10 की पावर 24, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, घातांक के नियम से अगर किसी संख्या के ऊपर घात के ऊपर घात हो तो उन दोनों को घात क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 27, फिर यहां पे भाग लग रहा है 10 की पावर 24। अब इसको हम भाग में देंगे तो 10 की पावर 27 और 10 की पावर 24, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10 की पावर 24 इंटू एक ही घात आधार पे 10 की पावर 3, और यहां पे इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 24।
तो ये 10 की पावर 24 इससे कट जाएगा और ये मान आ जाएगा 10 की पावर 3 का यानी कि 1000 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये n की पावर 2 की पावर n और उसका करनी, यानी कि यहाँ पे कोई संख्या दी हुई नहीं है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये जो करनी है वो कितना माना जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे दिया है बराबर में 64 और हमको ज्ञात करना है जो n यहाँ पे जो घात है वो घात का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये 2 की पावर n है, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे कि 1/2 क्योंकि इसका अंडर रूट हो रहा है और बराबर में हमारे पास है 64, 1/2 यानी कि 2 की पावर n बटे 2। ठीक है, और या फिर हम इस तरीके करेंगे कि दोनों साइड का वर्ग लेंगे, ये हो गया 64। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसको 2 की घात में तोड़ लेंगे। ठीक है, तो 2 की घात में तोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 4, 8, 16, 32, 64। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 4 और 6 यानी कि 2 की पावर 6 और यहां पे हो गया 2 की पावर n/2। तो अब आप देखिए कि दो संख्याएं आपस में बराबर हैं, दोनों का आधार समान है, दोनों का आधार अगर समान है तो ऐसी स्थिति में उनके घातांक भी क्या होंगे, समान, यानी n बटे 2 बराबर होगा 6 तो इससे n बराबर होगा कितना, 12। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 9 की पावर n × 3 की पावर 5 × 27 की पावर 3 और बटे में दिया है 3 × 81 की पावर 4। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमको n का मान निकालना है, जो यहाँ पे जो घातांक दिया है उसका मान निकालना है। तो इसका मान हम किस तरीके से निकालेंगे कि पहले इसको समान आधार पर बना लेंगे, यानी कि जितनी भी संख्या है उनको सब समान आधार पर बना लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ 3 की स्क्वायर का पावर n है और इंटू 3 की पावर 5 है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 का पावर 3 और बटे में हो जाएगा 3 × ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 और उसकी पावर 4। अब यहां पे इसको आपस में गुणा कर देंगे, यानी कि घातांक के ऊपर घातांक है तो क्या हो जाएगा, गुणा, यह गुणा, तो यहां पे हो जाएगा 2n × 3 की पावर 5 × 3 की पावर 6 / 3 × 3 की पावर 16। तो यहां पे कुल घातांक कितनी है, देखो कि यहां पे जो घातांक है वो सब जुड़ जाएंगी क्योंकि आधार अभी समान है, यानी कि 2n प्लस 5 और 6 11। ठीक है, और नीचे में क्या है, ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 की पावर 17। ठीक है, तो 3 की पावर 17 और यहां पे देखो अब ये 17 जो है बराबर में चला जाएगा, यहां पे इसका मान बराबर में 27 दिया है। ठीक है, बराबर में यहां पे मान 27 चल रहा है और अभी क्या करेंगे कि ये ऊपर जाएगा तो 3 की पावर 2n − 6 यानी कि 11 में से 17 चले जाएंगे तो 6 हो गए। यहां पे 3, ये 27 है, इस 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 की पावर 3 लिखेंगे तो यहां पे देखो दोनों साइड में आधार समान है और तो उनके घातांक भी क्या होंगे, समान होंगे, यानी कि 2n − 6 = 3 तो ये क्या हो जाएगा, 2n = 9 n = 9/2। अगला प्रश्न दिया है हमको कि 5 की पावर x + 3 जो कि बराबर है 25 की पावर 3x − 4 की। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड में यहां पे अगर संख्याएं हैं तो उनके आधार समान कर लेंगे, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, या तो घातांक समान करने का कर पाएंगे। तो अगर यहां पे क्या करेंगे कि x प्लस 3 और यहां पे इसको लिख सकते हैं 25 को हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा x − 4। अब यहां पे देखो घातांक के ऊपर घातांक है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 3 यहां पे हो जाएगा ये गुणा, यानी कि 5 की पावर 6x − 8। ठीक है, अब देखो दोनों साइड में आधार समान है तो इसका मतलब है कि घातांक भी क्या होंगी, समान होंगी, क्योंकि दो पक्ष आपस में तभी बराबर होंगे जब उनके मान बराबर होंगे। तो यहां पे क्या होगा, x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 6x
माइनस 8 के, तो यहां पे ये हो जाएगा 5x बराबर 11। ये x इधर से कम हो जाएगा, ये 8 इधर से आएगा, तो ये प्लस 11 जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 11/5। अगला प्रश्न है हमारे पास कि 3 की पावर x माइनस 1 बराबर में दिया है 18 और x का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों संख्याएं देखो, दोनों में आधार समान है लेकिन घातांक अलग अलग है, तो हम इन दोनों में से ये संख्या कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 3 की पावर x माइनस 1 हम जो है कॉमन लेंगे। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक अक्ष इसमें कम है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 बच जाएगा। कैसे बचेगा, देखिए कि इसको मैं जो है वो 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 लिख सकता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा x की 3 की पावर x माइनस 1 ये वाले पक्ष के लिए, और इसको मैं 18 लिख रहा हूं, और यहां पे इसको मैं 1 और 2 घातांक अगर जुड़ रही हैं तो मैं उनको गुणा में लिख सकता हूं, यानी कि 3 की पावर x माइनस 1 × 3 की पावर 1 − 3 की पावर x माइनस 1 बराबर में 18, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा मैं दोनों से कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस वन, तो यहाँ पे बच जाएगा 3, यहाँ पे ये पूरा हिस्सा आ गया, इसलिए 1 बराबर में 18, तो यहाँ पे कितना हो गया 3x की पावर −1 × 2 बराबर में 18, यानी कि इससे कट जाएगा ये 9 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर x माइनस 1 = 9। तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 की पावर x माइनस 1 = 3 की पावर 2, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। अब दोनों पक्षों में आधार समान है तो घातांक भी समान होंगे, यानी कि x माइनस 1 बराबर 2, तो x बराबर होगा 3। अगला प्रश्न हमारे पास है अंडर रूट में a की पावर -1 × b, b की पावर -1 × c का अंडर रूट, और ये c की पावर -1 √ c, तो हमें इसका मान निकालना है। तो हम देखिए इसका क्या लिख सकते हैं कि ये a b/a लिख सकते हैं, क्योंकि घातांक अगर माइनस में है तो हम इसको नीचे ले जाके गुणा कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से लिख दिया, यहाँ पे हो गया इस तरीके से, तो ठीक उसी सूत्र से, क्योंकि घातांक अगर -1 है तो हम इसको अंश में ले जा सकते हैं, हर में ले जा सकते हैं, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा a/c, ठीक है। अगर आप देखिए कि 3 अलग अलग आधार की संख्याएं आपस में गुणा हो रही है तो उनका करणी भी जो है वो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। करणी अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा b/a × c/b × a/c। अभी आप देखिए कि ये यहां से भाग जा रहा है, इसका यहां से भाग जा रहा है, इसका यहां से भाग जा रहा है, और यहां पे क्या बच जा रहा है, सब आपस में जाके 1, यानी कि ये हो गया √1 √ 1 = 1। अगला प्रश्न है हमारे पास 10^7.5 गुणा में है 5^2.5 × 2^2.5। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये दोनों संख्याएं जो है इनके आधार अलग अलग है लेकिन घातांक क्या है, समान है। अगर घातांक समान है तो हम इनको क्या कर सकते हैं, घातांक कॉमन लेके इनका अंदर में गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 7.5 × इनको क्या करेंगे 5 × 2, और घातांक जो है ना ऊपर में कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो गया 10^7.5 × ये भी क्या हो गया 10^2.5। और आप दोनों संख्याएं देखिए, दोनों संख्याओं का आधार समान है लेकिन और गुणा हो रही है और उनके घातांक जो है अलग अलग हैं, तो ऐसे स्थिति के लिए हम क्या करेंगे कि ये n × a की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि a की पावर n + n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10^7.5 × a + 2.5, यानी कि 10^10, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास √2, 6 का 3 का करणी 6, 4 का करणी 3, 5 का करणी 4, इन सब में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये ज्ञात करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इन सबको करणी में लिखेंगे, यानी कि 2 की पावर 1/2, ठीक है, और ये हो गया 3 की पावर 1/6, और ये हो जाएगा 4 की पावर 1/3, और ये हो जाएगा 5 की पावर 1/4, ठीक है। तो आप देखिए अब क्या करते हैं कि ये इनका बेस तो अलग अलग है, इनका बेस अलग अलग है, इसलिए हम या तो
और घातांक भी अलग अलग हैं, तो हम या तो क्या करेंगे बेस का एलसीएम लेंगे या फिर घातांक का एलसीएम लेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो घातांक है उनका एलसीएम लेंगे, ठीक है, 2, 6, 3 और 4। अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 12 एलसीएम, ठीक है, 12 एलसीएम हो गया। यानी कि 12 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग भी जाता है, 6 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है और 4 का भाग भी जाता है। तो 12 एलसीएम लेके हम क्या करेंगे कि इन्हीं संख्याओं को हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि 2 की पावर 1/2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 6 × 1/12, ठीक है। यानी कि इसका मान जो है मान नहीं बदलना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं 6 से गुणा कर रहे हैं और 12 का भाग दे रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास दूसरी संख्या है 3, 3 की पावर 1/6 आनी चाहिए, यानी कि हम क्या करेंगे 1/12 हमको रखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो ये इसका मान जो है 1/6 रहेगा। उसके बाद में 4 की घात है 1/3, यानी कि इसको हम 4 से गुणा करके 1/12 कर देंगे, ठीक, 1/12 करेंगे। और अगली संख्या जो है वो 5 की घात 4 है, यानी कि 3 × 1/12, ठीक है। अब देखिए कि ये 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 मतलब इसका मान लिख देते हैं, 2 की पावर 6 मतलब 256, ठीक है, 256 की पावर 12, और 3 की पावर 2 यानी कि 9 की पावर 1/12। अब यहां पे देखो 4 की पावर 4 × 16 16 का स्क्वायर होगा 256, इसकी पावर 1/12, और यहां पे 5 की पावर 3 यानी कि 125 की पावर 1/12। अब यहां पे देखिए सबकी घातांक समान है, सबकी घातांक समान है तो आधार जिसका जितना बड़ा होगा, आधार जिसका यहां पे 256 नहीं होगा, यहां पे वो 64, ठीक है, तो आधार जिसका जितना बड़ा होगा उसके करने भी उनका मान भी कितना आएगा, वही सबसे बड़ा आएगा, ठीक है। तो यहां पे जो है सबसे बड़ी संख्या आ गई हमारे पास, किसका मान है ये, ठीक है, तो इसका मान, तो ये 3 करनी √4, ये जो है सबसे बड़ी संख्या होगी। अगला प्रश्न दिया है हमको कि √2 और 4 का करनी 3 और 6 का करनी 4, इनमें से इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका जो है करनी हटाएंगे, यानी कि 2 की पावर 1/2 ये हो जाएगा, 4 की पावर 1/3 ये हो जाएगा, 6 की पावर 1/4। अब यहां पे देखो संख्या ऐसी है कि जिनका आधार अलग अलग है, बढ़ते हुए क्रम में है, लेकिन इनके घातांक जो है वो घातांक जितनी ज्यादा होगी उसका मान जो है उतना ही छोटा होगा, यानी कि करनी का मान जितना ज्यादा होगा उसका रियल मान उतना ही कम होगा, लेकिन हमको निकालना है, फाइनली हमको निकालना है कि इसके मान निकालने हैं। देखो यहां पे क्या है कि तीनों संख्याओं में आधार जो है वो अलग अलग है और घातांक भी अलग अलग है, तो हम ये कह नहीं सकते कि किसका मान जो है वो छोटा होगा किसका मान बड़ा होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना है, कोई या तो आधार समान करना है या फिर घातांक समान करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे घातांक समान करेंगे, यानी कि 1/2 1/3 और 1/4 इनमें इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12, यानी कि यहाँ पे इसका एलसीएम जो है 12 आ रहा है, तो 12 से हम इस तरीके से इसको तोड़ेंगे कि इनका जो है घातांक समान हो जाए, यानी कि इसको हम जो है 1/2 1/6 लिख सकते हैं, ये 1/2 ही रहेगा। उसके बाद में इसको 4 की पावर 1/12 × 12 × 4 लिख सकते हैं। उसके बाद में इसको 6 की पावर 1/12, यानी कि हमारे पास यहाँ 4 आना चाहिए यानी 3। तो देखिए अब क्या करेंगे, 2 की पावर 6 की घातांक 1/12 लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 4 की पावर 4, उसकी घातांक लेंगे 1/12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको करेंगे सर, तो यहाँ पे जो गुणा में घात है उनको हम
घातांक भी लिख सकते हैं, यानी इसकी पावर जो हो जाएगी 1/12। ठीक है, अब आप देखें इनकी घातांक जो है सबकी समान हो गई है, इसका मतलब ये बेस है, ये बेस है, तो जिसका बेस सबसे ज्यादा बड़ा होगा वो उसका मान भी सबसे ज्यादा उसी का आएगा। तो हम इसको और सरल करते हैं, तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64, 64 की पावर 1/12। ठीक है, उसके बाद में 4 ये 16, 256 की पावर 1/12। ठीक है, फिर ये 6 6 36, 6 का क्यूब है ये 216, ठीक है, की पावर 1/12। अब आप देखिए इनको हम बढ़ते हुए क्रम में इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो मान है वो किसका मान है, इसका, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा √2। उसके बाद में ये जो मान है वो किसका मान है, यहां पे ये 216, 216 मान किसका है, 6 की करने 4 का, और इसके बाद में ये जो बचा हुआ मान है 3 √4, तो ये इसका बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है कि a/b की घात जो है x-1 है और b/a की जो घात है वो है x-3, तो हम इसको क्या करेंगे, हमको ज्ञात करना है अक्ष का मान, हमको अक्ष का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है जैसे आधार इसका a/b है तो इसको भी हम a/b लिख सकते हैं, क्योंकि उल्टा करके, तो कैसे लिखेंगे, यानी कि a/b की घातांक जो है वो x-1 है, और यहाँ पे अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यानी b/a की घातांक जो है इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये 3 - x हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी की घात की संख्या माइनस में हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, यानी b/a की घातांक 3 - x। ठीक है, और इस तरीके की अगर कोई संख्या है तो हम गुणा में लाते हैं तो उसका उल्टा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a/b उसकी घातांक 3 - x। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पक्ष है वो है a/b की घातांक x-1। अब आप देखो कि ये वाली संख्या इस संख्या के बराबर है, दोनों का आधार समान है, अगर दो संख्याएं आपस में बराबर हो, दोनों का आधार बराबर हो, तो उनके घातांक भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि क्या होगा, x-1 जो है वो किसके बराबर होगा, 3 - x के, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x = 4, तो x = 2। ठीक है, अब ये जो उदाहरण बताए हैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी को ये घातांक और कर्णिक के जो उदाहरण है वो समझ में आए होंगे, और इससे संबंधित अगर आपके पास कोई और प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।